शंकर भगवान की जय, लाल की जय, सियापति रामचंद्र की जय, हर शंभु। बात चल रही है हम गुल्लर सीट मंदिर, भाई सौरभ मुझे मिल गया, हम निकल गए गुल्लर सीट के लिए। और अमेजिंग मंदिर है, बहुत ऊपर है, उससे नीचे पहले बाल सुंदरी मंदिर आता है। गुल्लर सीट मंदिर में जाने से पहले वो बाल सुंदरी मंदिर के दर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सौरभ भाई थैंक यू सो मच, एक एक कॉल पे पहुंच गए। अरे कोई नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। तो मिलते हैं हम आपको मंदिर के पहुंचने के बाद, दिखाते हैं आगे, दर्शन करवाते हैं। बाल सुंदरी और गुलर सिद्ध मंदिर हमारे क्षेत्र के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आपको बता दूं, वैसे तो मैं कई बार इस स्थान पर आ रखा हूं, लेकिन आज मैं एक नए उद्देश्य के साथ इस स्थान को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने आया हूं। तो इससे संदर्भित जानकारियों को मैंने कलेक्ट करने का प्रयास भी किया है, वीडियो के साथ साथ आपको बताते चलूंगा, बने रहो। तैयारियां होने लग गई, परसों 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई है। जैसे कि मेरा दोस्त सौरभ बता रहा है कि अब शिवरात्रियां निकट आ गई है, जिस कारण इस मंदिर में तैयारियां होना शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि साफ सफाई का काम मंदिर में चल रहा था। गुलर सिद्ध में प्रवेश से पहले आपको बाल सुंदरी माता के दर्शन करने होते हैं। जी हाँ, ये बाल सुंदरी माता का एंट्रेंस है। बड़ा सुंदर नजारा है यहाँ का। जो भाई राइडर भाई पहुंच गए हम अभी गुलर सिद्ध मंदिर, और देख रहे हो यहाँ पे पूरा मतलब तैयारी चल रही है शिवरात्रि की। और मेरे को यही देखना था कि शिवरात्रि की तैयारी किस तरीके से यहाँ पे हो रही है, क्योंकि तुम्हें पता है यार, हम मंदिर और नेचर से कितने कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। सौरभ पहुंच गया, सौरभ बिजी हो रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, क्या कर सकते हैं। और भाई ये मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, ये बाल सुंदरी मंदिर है, ऊपर गुलर सिद्ध मंदिर है, पर चट्टान में जाना पड़ता है, मैं वॉइस ओवर के थ्रू आपको बताऊंगा। तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे लोग पत्ते जला रहे हैं मेले के लिए, यहाँ पे अभी जितने भी वेंडर्स होते हैं लोकल वो आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, अभी मेला लगेगा। शिवरात्रि बहुत मान्यता है इस मंदिर की, कहा जाता है कि ऊपर बाल सुंदरी मंदिर से अगर तुम कुछ भी मांगोगे तो उसकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी लग रही है। सौरभ भाई क्या हाल है, कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बढ़िया है। अब मेले की तैयारी हो रही है तो झूला देखने को जरूर मिलेगा। भाई लोग यहाँ पे झूला ही सेट कर रहे होते हैं, तब हम उनसे पूछते हैं कि भाई हम ट्रैम्पलिन में जाकर चेक कर सकते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा। वो बोलते हैं जरूर। झूला झूला यूपी में चक्कर झूला बोलते हैं भाई। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं जी? उत्तराखंड में इंडोले ही बोलते हैं। इंडोला। तो भाई ने बड़ी अच्छी नॉलेज दी हमें यार, झूले को क्या बोलते हैं। कहाँ से आ रहे हो भाई? नरपतनगर से हैं भाई। नरपतनगर कहाँ पे हुआ? ये सुवार के पास हुआ, सुवार से 3 किलोमीटर पीछे। क्या बात है यार भाई, यार मजा आ गया। चैनल का नाम बता देना आप। चैनल का नाम स्कटल बट ऑफ पहाड़ी भाई, सर्च करो भाई को, चैनल का नाम बताना है। और थोड़ा इसमें देख लो, ट्राई कर लो। और हमारे साथ हमारा दोस्त चीतल भी आया था, तो वो अपनी हरकतों से बाज थोड़ना आता है, बस उसे मिल गया उछलने के लिए, वो उछलने लग जाता है। सौरभ से इन्फ्लुएंस होके थोड़े बहुत कमर के हिचकोले हमने भी खा लिए। था उसको भी ट्राई किया, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, तो जज मत करना, बहुत बेकार करा, मेरे से हुआ भी नहीं हो। अब हमें अच्छी खासी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी ऊपर। सौरभ क्या लगता है कितने ऊपर होगा मंदिर यहाँ? माना कि करीब 500 सीढ़ियां तो यहाँ है, फिर उसके बाद कच्चा रास्ता है। ओ माई गॉश, 500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद कच्चा रास्ता। तो भाई रनिंग करने आते थे, रनिंग करने आते थे, तब तक हम स्लिम ड्रीम बॉय थे, अब हमारा वेट बढ़ गया। यहाँ पे बच्चे सूट मारते हैं, 6-6 चक्कर मार देते हैं एक बार में, इसके 6 से भी ज्यादा। हाँ, मैंने खुद मारे। हाँ तो भाई यहाँ तक तो रास्ते इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है, पहले बहुत बुरी हालत थी। इस मंदिर के बारे में पता क्या कहा जाता है? थोड़ा और ऊपर चलते हैं फिर बताता हूँ। ये सभी मंदिर समिति के लोग हैं जो जोर शोर से तैयारियां कर रहे होते हैं। हाँ, मंदिर के बारे में बताने के लिए बोला था, तो सुनो। तो दोस्तों चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए ऊपर अपने गुलर सिद्ध मंदिर में। अब गुलर सिद्ध मंदिर से जुड़ा हुआ एक संक्षिप्त इतिहास में यहाँ पे बैठ के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए गुलर सिद्ध मंदिर, और इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक संक्षिप्त इतिहास हमें बताता कि पूर्व में यहाँ पे बहुत ज्यादा गुलर के पेड़ थे, जिसके कारण यहाँ पे इसका नाम गुलर सिद्ध पड़ा। अब सिद्ध के पीछे की क्या कहानी है? यहाँ पे पहले बहुत प्राचीन टाइम पे एक बाबा बैठा करते थे जिनका नाम था, जिनको बहुत सिद्धियाँ प्राप्त थी, वो अपने क्षेत्र में बहुत परिपक्व थे, बहुत जानकार थे, तो सिद्धि प्राप्त बाबा को सिद्ध कहा जाता था। तो इसलिए गुलर सिद्ध दोनों मिलाकर गुलर सिद्ध नाम पड़ा इस मंदिर का। और ये भोले बाबा का मंदिर है, शिव जी को यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए अभी 18 तारीख को बहुत ज़्यादा भारी भीड़ होने वाली है। मुझे लगता नहीं शायद हम ऊपर चढ़ेंगे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, मतलब ये चढ़ाई जो हम चढ़ के आए हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके हम पार करते हैं, तो अभी शांति से दर्शन करना उचित है। वैसे हम नीचे बाल सुंदरी मंदिर में जल जरूर चढ़ाते हैं उस दिन, आ जाओ। जैसा कि मैंने अपनी फूलती हुई सांस में बताया कि यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा गुलर के पेड़ होते थे और एक सिद्ध बाबा पर बैठते थे, जिसके कारण इस स्थान का नाम गुलर सिद्ध। तो ये रही गुलर सिद्ध मंदिर के ऊपर सीढ़ियाँ। आपको बता दूं यहाँ पे जो ऊपर से विशाल झंडा दिख रहा है, ये हमारी इतनी दूर हमारा घर है पंपापुरी, वहां से भी दिखता है, मतलब हर जगह से दिखता है क्योंकि चोटी पे स्थित है मंदिर। यहीं पर हमें कुछ श्रद्धालु और मिलते हैं जो कि रुद्रपुर से आए होते हैं बाल सुंदरी और गुलर सिद्ध मंदिर के दर्शन करने। फिर क्या, हमने भोले बाबा के जमकर नारे लगाए। नाम बताओ भाई अपना अपना। मेरा नाम है प्रिंस काशीपुर। मेरा नाम अरुण, रुद्रपुर से। मेरा नाम है शकाश कुमार, रुद्रपुर UK 06।
प्रिंस 575 सबका यार, मेरे शूटर नहीं आया तो इनके फॉलो में ये झंडा ले रखा होगा तिरंगा मैंने हाथ में। भाई लोग भाई अपने चैनल को भाई इधर शाउट आउट ले रहे हैं खतरनाक। कहां से भाई लोग? रुद्रपुर यूके 06 रुद्रपुर से। क्या मतलब अभी क्या इधर कैसे भैया? हनुमान धाम आए थे घूमने के लिए। अच्छा, और यहाँ पर बीच रास्ते में मंदिर पड़ गया था तो हमने कहा घूमते हुए चलें। अच्छा जी, बढ़िया भाई बढ़िया। बाल सुंदरी मंदिर तुम्हें पता था इसके बारे में पहले से? नहीं भैया मुझे नहीं है, भाई को पता था, ये लेके आया था। भाई तुम्हें कैसे लेकर आए थे अभी कुछ बताओ भाई। दूर दूर से पता भाई, रुद्रपुर से बंदे आ रहे हैं घूमने हमारे रामनगर में दर्शन करने भाई गुलर सिद्ध मंदिर के। बहुत अच्छी लगा मुझे सुन के भाई। एक बार एक जोर से नारा लगाते हैं भाई लोग, इधर आओ सब आओ भाई। बोलो शंकर भगवान की जय। चक्र वीर बजरंगी हर हर महादेव। चक्र वीर बजरंगी हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम बम। अबे बैठ तू कहां इधर आया तू? चक्र वीर बजरंगी हर महादेव। लगाओ भाई और लगाओ, दो चार और लगाओ, मैं आ गया। बोले शंकर भगवान की जय। बोले अंजनी के लाल की जय। बोले सियापति रामचंद्र की जय। हर महादेव महादेव। क्या इस मंदिर को हम ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, एक टेंशन हमारे सर में आ जाती है। अब सौरभ सैम चीतल ये भाई अपनी चाबी खो देता है बाइक की। बाइक की चाबी खो गई, ऊपर जितने भाई लोग मिले वो बोल रहे हम भी मदद करेंगे। सो भाई ये बहुत अच्छी चीज है, भोले बाबा के नाम पे मदद मिल जाती है मंदिरों में। कहाँ पे उतार था तुमने? आगे था गया। अगर कोई चाबी दिखेगी ना आपको तो हमें बताना, उतरोगे तो। बाइक की है। सौरभ से बोल रहा हूँ तूने गाड़ी ढंग से लॉक करी थी? सौरभ बोला हाँ की थी ना डबल लॉक। मैंने बोला खुशी की बात थोड़े ना पागल इस टाइम पे। अब फिर क्या करते यार, अब मेरे को जितने लोग दिख रहे थे मैं सबसे कहते आ रहा था अगर आप नीचे उतरोगे तो कोई चाबी दिखेगी तो हमें दे देना। अब मुझे भोले बाबा पे विश्वास है कि मिल जानी चाहिए और मिल भी जाएगी। तो भाई एक बहुत अच्छी चीज हो रखी है, अभी थोड़ी देर पहले सरदार जी नीचे को गए थे तो उनको चाबी मिल गई होगी जहाँ सौरभ ने गिराई थी, तो सरदार जी ने नीचे दुकान में जमा कर दी, तो ये सबसे अच्छी चीज हो गई। मैंने क्या बोला, मुझे विश्वास है भाई भोले बाबा के मंदिर आ रखे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो नहीं सकता, कुछ गलत हो जाए। तो चाबी नीचे सरदार जी ने जमा करवा दी, तो सरदार जी को यार बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ कौन सी दुकान में बोला था चाबी दे दो? बूबू जी हमारी गिर गई ऊपर चाबी है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई चाबी भी दे गई हमें, हम निकलते हैं घर के लिए, सब अच्छा हुआ। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक डू सब्सक्राइब स्कटल बट ऑफ पहाड़ी, सब कुछ अच्छा हो गया। और इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक संक्षिप्त इतिहास हमें बताता है कि यहाँ पे पूर्व में गुल जो। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए गुलर से। अरे भाई।